क्या आप नए सिलेबस से घबरा रहे हैं? क्या लगता है कि ये पेडागोजी या जो नया सिलेबस है, इससे आपकी जो पुरानी तैयारी है इस पर खतरा उत्पन्न हो गया? तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पास पूरा एनालिसिस लेके आया हूँ, कहाँ से सिलेबस है, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है और वन बाय वन कितना वेटेज होगा क्वेश्चंस का एक एक यूनिट में। इसको पूरा देखिएगा वीडियो को, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें हर पल हर क्षण कुछ न कुछ नई बातें आपको पता चलने वाली हैं। और उसी के साथ ये भी अनाउंस कर रहा हूं कि आज से 3 दिन लगातार मेरे लाइव डेमो चल रहे हैं क्लासेस के, इंग्लिश के हों चाहे पेडागोजी के हों, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और उसके बाद 20 से हमारा फाइनली ये बैच शुरू हो रहा है, और जितने लोग भी हैं वो बिल्कुल ना घबराएं और चलते हैं एनालिसिस की ओर। लीजिए आपके सामने एनालिसिस। तो सबसे पहले और एक बात जरूरी कि जो डेमो मेरे होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, 3-4 दिन आप देखिए, लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर मेटामॉर्फोसिस एक बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट 19 तारीख को आपके सामने करने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही खुशी लेके आएगा। तो लीजिए शुरू करते हैं एनालिसिस। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि एक न्यू सिलेबस आता है और अचानक बच्चे घबराते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक दिखाई देते हैं जो उनके लिए काफी नए हैं और कुछ लोगों के लिए वो नए नहीं है। जिन लोगों के लिए नए नहीं है और जिनके लिए नए हैं, उनके बीच में डिफरेंस बता दूं। जो लोग काफी पहले बीएड कर चुके हैं उनको सब कुछ भूल चुका है और वो इस बात को लेके ये चिंतित हैं कि सिलेबस कहाँ से है। इस सिलेबस का उद्भव ओरिजिन हुआ है जो एप्टीट्यूड, कॉमन एप्टीट्यूड आया है, उसका जो फर्स्ट ए वाला पार्ट है जिसमें पेडागोजी वगैरह और सब चीजें दिख रही हैं आपको, वो 5 यूनिट आपका जो आई है उसका ओरिजिन है बीएड के सिलेबस में। वो पूरा बीएड के सिलेबस से लिया गया है और कुछ पोर्शन उसका बीपीएड के सिलेबस से भी लिया गया है, जहां योगा और उसके रिलेटेड चीजें मिलती हैं। और आईसीटी वाला पोर्शन भी, वो सब आपने देखा होगा बीएड के, उसमें फिलोसफी भी आपने देखा उसके में, टीचर लर्निंग मोटिवेशन बाकी सारे आयोग, ये सब बीएड में पढ़ाए जाते हैं। तो पहली बात क्लियर हो गई कि आई कहां से, बीएड एंड बीपीएड के सिलेबस से। ठीक है, अब हम बात करें कि इन सिलेबस में क्या हमें घबराना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो पहला है यूनिट 1, वो पूरी फिलॉसफी पे आधारित है, थोड़ा टीचर्स के रोल पे आधारित है, टीचर्स के इमोशनल और जो है बाकी जो रोल होते हैं उस पे आधारित है। ठीक है, और आईसीटी वाली यूनिट से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, उस पे भी हमारे पास मैटर है और कुछ अच्छे फिलोसफर है इसमें। और मजे की बात यह, इस बार कुछ अच्छे नए फिलोसफर भी डाले गए हैं, जो नई शताब्दियों के फिलोसफर है, जैसे गीजू भाई जिन पे हमने बहुत ज्यादा काम किया है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन पे, और एक एक चीज उनके बारे में पता है, और जितने सारे फिलोसफर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने एक डिटेल्ड इस पूरे सिलेबस का, मैंने एक लाइव क्लास ली थी उसको एनालाइज करते हुए कल, और जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए वो रिकॉर्डिंग इस लेक्चर के तुरंत बाद मैंने इसी वीडियो में कंबाइन की है, तो आप उसको जरूर पूरा स्टेप वाइज देखिएगा, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे ही हम आगे के यूनिट्स में चलते हैं, तो ये सारी यूनिट्स में कोई ऐसी यूनिट नहीं है जिससे मैटर हमको नहीं मिलेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे पास सारा मैटर है और सारे क्वेश्चन हम बना इस पे बना चुके हैं, और जो नए हैं उस पे हमारा काम चल रहा है, तो आप बेफिक्र रहिए उसके बारे में। अब आते हैं कि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में क्या है। अभी मैं आपको ये भी डिफरेंस क्रिएट करूंगा कि इन दोनों में कौन सी चीजें जो है ज्यादा आपके लिए काउंट करेंगी। फर्स्ट बी में आ जाएं तो ये बहुत ही इजी है इन कंपैरिजन टू, और छोटा भी है, क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग गई है, और नॉन वर्बल रीजनिंग इस बार जो है उसमें कई टॉपिक दिए हैं लेकिन वो भी बहुत कम टॉपिक है। पहले से क्या होता था, वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते थे वो भी स्क्रीनिंग वगैरह में लेक्चरर के, क्योंकि इस बार इसमें भी डाला गया है, तो एक नई चीज इसमें दिख रही है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल का मतलब होता है जिसमें फिगर्स के साथ हम खेलते हैं और फिगर्स रिलेटेड रीजनिंग हम करते हैं, चाहे वो फिगर्स के सीक्वेंस हो या मिसिंग द फिगर हो या फिगर्स से रिलेटेड और कई क्वेश्चन हो जो उसमें दिए गए हैं, वो 5-6 टॉपिक है मुश्किल से। और जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो फिगर्स से रिलेटेड हो गई, और वर्बल रीजनिंग में भी आपके ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, उसमें एक मैथ्स का भी टॉपिक है, एज रिलेटेड टॉपिक। ठीक है,
और बाकी ब्लड रिलेशंस और या आपने करे हैं पहले भी कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ये सब आपकी आराम से हो जाएगी। अब आते हैं उसी के फर्स्ट बी के दूसरे वाले पैरा में, यानी यूनिट थ्री में। अगर यूनिट थ्री की बात करें तो वहां पर आपको गौर से देखने वाली बात है कि लोगों में ज्यादा कंफ्यूजन यह है कि भैया ये क्या ज्यादा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है? कुछ नहीं है, उत्तराखंड कोलन डाला गया, यानी सिर्फ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चीजें हैं, और उसमें भी ज्यादातर डेटाबेस चीजें हैं, स्टेट प्रोफाइल ये वो। अब लास्ट में थोड़ा हिस्ट्री का जो है वो पोर्शन है, लेकिन उस हिस्ट्री के पोर्शन को डील करते वक्त आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो डील करते वक्त हमें ये क्लियर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि हमने इसमें डीप डाइविंग नहीं करनी है, हमने इसमें हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें निकालनी है जो बहुत डीप ना हो लेकिन इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि किस राजा का कब, ये जो है पूरा कत्यूरी वंश कब था, ठीक है, और आपका चंद वंश कब था, इसके मेजर जो राजा रहे एम्परर रहे वो कौन रहे, और इनकी राजधानी कहाँ थी, इनके समय में क्या क्या मेन चीजें हुई, और ये किस तरीके से हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इनका दूसरी एज से हिस्ट्री के क्या रिलेशन है, कुछ इस तरीके की बारीक चीजें। और बहुत डीप में नहीं जाएंगे कि इनकी कितने सीरीज रही, खानदान की कितने लोग रहे, कितने इन्होंने क्या क्या करवाए क्या क्या करवाया, अगर कोई बहुत बड़ा किला बनवाया, कोई जो है कुछ डिफरेंट क्रिएट किया वो आप कर सकते हैं। तो आपको इस पूरी हिस्ट्री में से क्या निकालना है, जो आपको अलग डिफरेंस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है वो निकालना है बस। और ये बिल्कुल नहीं कि आप डिटेल में उसकी पूरी खानदान की हिस्ट्री या लाइफ की हिस्ट्री में चले गए किसी राजा की, सो दैट इज नॉट योर लेवल, सो बी श्योर अबाउट दैट, और इसमें आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। अब आती है कि इंग्लिश में, इंग्लिश में इन्होंने कुछ अलग तरीके की चीज क्रिएट की है। जो दो यूनिट हैं वो ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन को बेस किए हैं, हाँ उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच जरूर डाल दिया गया है। तो इसमें नाउन प्रोनाउन टेंस और आपके एक्टिव पैसिव और ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब जो आप कई लोग कर भी चुके होंगे, हमारे वहां सारे लोगों ने कर रखा है, और जो नया बैच शुरू होगा उन्हें भी पूरी तरह करवाया जाएगा, ठीक है, और ये काफी आसान है दोनों यूनिट। 3, 4, 5, 6, 7 का जो है ये है कि इस बार अब आपको थोड़ी डिफरेंट अप्रोच रखनी होगी। जैसे पहले का जो एलटी का सिलेबस था वो थोड़ा छोटा दिखाई देता था लेकिन बहुत ब्रॉड था, उसमें हमें लगभग पूरी हिस्ट्री को कवर करना पड़ता था। यहां पर पूरी हिस्ट्री को कवर न करके अब ये लेक्चरर्स के टाइप की सिमिलैरिटी आ गई, थोड़ा अलग है, लेक्चर में राइटर बेस्ड है तो यहां टेक्स्ट बेस्ड है। अब 3, 4, 5, 6, 7 में आप देखेंगे कि जो यूनिट है आपकी, सबसे ज्यादा आपको एक लिटरेरी टर्म्स की यूनिट दिख रही है, वहां एक पोएट्री में सारी दिख रही है, ब्रिटिश अमेरिकन इंडियन, ठीक है, और फिर आपको जो है बाकी यूनिट्स दिख रही हैं, जो चाहे वो फिक्शन प्रोज में हो या फिर आपका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंडियन इंग्लिश ट्रांसलेशन में हो। तो इस इन सब में हमारी कैसे कैसे कितने क्वेश्चन का वेटेज होगा, इस बारे में तो आप मेरा जो एनालिसिस वाला वीडियो है इसके साथ ही वो देखिएगा, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं कि जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो क्या करेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्रिएट करने में आपको ये बता दूं कि लिटरेचर से ज्यादा ग्रामर का रोल होगा, और इधर जो रोल होगा, लोग सोच रहे हैं कि पेडागोजी से डरे, लेकिन इधर रोल होगा ज्यादा किसका, आपका एक रीजनिंग का और एक उत्तराखंड वाले जो पोर्शन है उसका। अब इन दोनों में भी, फर्स्ट बी में उत्तराखंड और रीजनिंग में से किसका ज्यादा रोल होगा, रीजनिंग ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग रीजनिंग को टफ समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको एक पते की बात बताता हूं कि रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट मेमोरी बेस्ड, दैट इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड लॉजिकल, लॉजिक बेस्ड। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आपके रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से एक भी गलत नहीं जाने वाला है। सो ये जब सारे लोग उत्तराखंड पेडागोजी और इसको कर रहे होंगे, वो आप भी कर रहे होंगे, सारे लोग बराबर कर रहे होंगे,
लेकिन रीजनिंग को कुछ लोग ये सोच के छोड़ रहे होंगे कि भाई रीजनिंग थोड़ा टफ है, हमें इस पे फोकस करना चाहिए। रीजनिंग डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, ये याद रखिएगा। दूसरा, ग्रामर डिफरेंस क्रिएट इसलिए कर सकता है क्योंकि लिटरेचर में आप सब लोग बना रहे हैं, पहले से भी लगे हुए हैं, लेकिन ग्रामर पहले से भी लोगों की कमजोर है और आज भी कमजोर है। अगर लिटरेचर जो है ग्रामर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जो एक ही क्वेश्चन आपको नहीं आता है या उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो गड़बड़ पैदा कर देगा। तो ग्रामर में अगर आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाए और ग्रामर में अगर आप वो क्वेश्चन जितने मैंने बताए हैं आगे एनालिसिस में सारे सही कर पाए, सो श्योरली यू आर गोइंग टू क्रिएट द डिफरेंस एंड यू आर गोइंग टू जस्ट क्रॉस दिस एग्जाम। अब बात आती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग इस पूरे जो सिलेबस है इसको मई और जून जून में पूरा खत्म कर दे रहे हैं। हमने इसके लिए डिसाइड किए हैं 50 लेक्चर। 50 लेक्चर में आपको पूरा क्रिएट करेंगे और इसके लिए हमने डिसाइड किए हैं 4 क्लास रोज की, जिसमें 2 पेडागोजी होंगी, 1 1B की होगी और 1 इंग्लिश की होगी। और इसके बाद जैसे ही हमारा 1B में रीजनिंग कंप्लीट होता है और वो आपका ये वाला बसता है उत्तराखंड वाला पोर्शन, तो हम इंग्लिश की 2 क्लास क्रिएट कर देंगे। तो वो हमारा अपने तरीके का मैनेजमेंट है। तो 4 क्लास, और इसके लिए हमने बहुत बड़ी तैयारी शुरू की है। हमारे पास जो टीम है वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, आप सब लोग जानते हैं, पहले भी जो लोग पढ़ चुके हैं। हमारे पास पेडागोजी में मैं खुद डील कर रहा हूं, पेडागोजी में डॉक्टर राधा बधानी मैम डील कर रही हैं, और दोनों लोग पहले भी आपको पेडागोजी पढ़ा चुके हैं। और मजे की बात यह कि मेरा स्टाइल तो आपको पता ही है और मेरे पास सारे पेपर भी बने हुए हैं। राधा मैम का सबसे बढ़िया स्टाइल यह है कि वो अपना सारी न सिर्फ समझाने की बात करती है बल्कि एक एक चीज की PDF नोट्स ये सब आपको बताती हैं और देती हैं, और उसके अलावा क्वेश्चन जो देती हैं डिस्कस करके। सारे बच्चे जानते हैं कि उनके बताए क्वेश्चंस में पिछले कई एग्जामों में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं पेडागोजी में। ठीक वैसे ही पेडागोजी में हम लोग भी क्रिएट कर रहे हैं सारे क्वेश्चन जो मैं पोर्शन लूंगा, और ये 2 लोग आपके पेडागोजी ले रहे हैं, 2 लेक्चर डेली, ठीक है। और रीजनिंग और उत्तराखंड प्रियंका और मोहित लेंगे, और प्रियंका मैम और मोहित वो भी आप जानते हैं, और इंग्लिश मैं ही लूंगा, ग्रामर भी मैं ही लूंगा। ऑलराइट, और सबसे बड़ी बात है कि हम ऑफलाइन भी शुरू कर रहे हैं हल्द्वानी में और ऑनलाइन भी शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस बार क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है तो इसलिए आपको हर लेक्चर के बाद उस लेक्चर की PDF डाउनलोडेबल मिलेगी, और आपको आपके व्हाट्सएप में वो डाउनलोडेबल वो भेज दी जाएगी। जितने टेस्ट होंगे टेस्ट भी डाउनलोडेबल होंगे, टेस्ट के बाद आपको वो भी भेज दिए जाएंगे। टेस्ट हमारे जो होंगे वो डेली के टेस्ट होंगे इस बार, और इसके लिए मैं खुद अपने गाइडेंस में सारी चीजें कर रहा हूं। जितनी भी मेरे अंडर मैंने अपनी छुट्टियां बचाई थी तो 2-3 महीने की मैं सारी मेरी कलेक्टेड लीव्स जो है ले लूंगा, लेकिन आपको जो है पूरा गाइड करूंगा। और इसके अलावा एक और चीज है कि जो हमारी क्लासेस होंगी उसका एनालिसिस और ये जो पूरी चीजें हैं वो संडे को भी हम लोग करेंगे, और जो लोग वीक होंगे और जो पेपर डिस्कशन होंगे वो संडे को होंगे। और इसीलिए मैं इस बार जो है सारी चीजें लेके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आपको गाइड करने के लिए तैयार खड़ा हूं, सुबह से लेके शाम तक। सो देयर इज नो डर्थ ऑफ टाइम, क्योंकि मैं लीव पे हूं और मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। तो इसलिए आप लोग इस चीज के लिए आप जल्दी मन बनाइए। आज से अगले 3 दिन तक शाम को जो है आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं लेक्चर सीरीज, और वो डेमो सीरीज होंगी, और आप लिटरेचर और ग्रामर और इसका रसा स्वादन कीजिए और डिसाइड कीजिए। और 20 से हमारे जो बैच इंग्लिश के पूरे शुरू हो जाएंगे और 19 से पेडागोजी के शुरू हो जाएंगे, उस पर अपने भाग लीजिए। और फीस के मामले में भी हम आप जब डेमो देख लेंगे तो हम डिसाइड करेंगे, और ये वादा है कि फीस में आपको सबसे ज्यादा हम रिलैक्स देंगे, चिंता की कोई चिंता नहीं आपके, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि मैंने इसका कैसे एनालिसिस किया है, और ये आपको ले चलता हूं, सो गौर से इसे समझिएगा, ठीक है। थैंक यू। और जो जो हमारा टाइमिंग होगा शाम का उसका लिंक मैंने दिया है नीचे, और टाइमिंग हमारा रहेगा शाम का,
और उस टाइम पे आप जरूर जुड़िएगा। वो टाइम और पूरी डिटेल हमने नीचे शेयर कर दी है लिंक में उसमें, और टीचमेंट में एक क्लास होंगी, टीचमेंट में आप जुड़ सकते हैं। और क्लास से पहले सारी आपकी रिक्वेस्ट आ जानी चाहिए, जिससे कि हम उस समय क्लास लेते वक्त रिक्वेस्ट को मंजूर नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर नहीं देख पाए तो आप रह जाएंगे, और उस चीज की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और देखिए एनालिसिस। पहले यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक आते हैं, जो फर्स्ट ए पार्ट है, ठीक है। तो अभी जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, लिखा हुआ दिख रहा है ना? यस सर, यस सर, जी फिर आ रहा है फर्स्ट पेपर सर, में, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड पेपर में आ रहा है, कुछ यूनिट्स हैं उस पर बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ए में है टोटल यूनिट 5, और फर्स्ट बी में है टोटल यूनिट कितनी बताओ? थ्री तीन यूनिट 3, ठीक है। अब जरा इस पे फोकस किया जाए। तो जो मेरी प्रेडिक्शन है, वो प्रेडिक्शन ध्यान से सुनो, कि इसमें पूरी तरीके से 70-30 का ही रेशियो रहने वाला है। समझ गए बात को? बोलो, समझे कि नहीं समझे? नहीं सर, नहीं सर, नो सर, 50 का जी 70% निकालो, सर, 35, 35 क्वेश्चन यहां से आएंगे, और 30% निकालो, 5 या 15, 15 यहां से आएंगे। अगर ज्यादा हुआ तो फिर 30 यहां से आएंगे ज्यादा से ज्यादा, और 20 यहां से आएंगे, इससे ज्यादा गड़बड़ी नहीं होगी। वैसे मुझे 35-15 वाला ज्यादा लगता है, तो 35-15 रेशियो या फिर 30-20 रेशियो, इससे ज्यादा नहीं होगा इधर से उधर। बोलो क्लियर है इतना? फिर मैं बताता हूँ कहाँ से ज्यादा आएगा कहाँ से कम। इतना क्लियर है? ठीक है, ये लॉजिकली सही है बेसिकली, ठीक है। अब हम यूनिट 5 में से देखें, तो यूनिट 5 में से कहां से ज्यादा आएगा? एक मिनट, ये फोन कौन कर रहा है बार बार? हाँ जी, ओके। एक्चुअली आज हम ओके, तो आप चलते हैं उससे आगे कि आगे क्या होगा। इन 5 यूनिट्स में से, जैसे ये फोन आता है स्क्रीन बंद हो जाती है, इन 5 यूनिट में से, ठीक है, जो आपके लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग यूनिट है, बता दे रहा हूं आपको, जिस पे आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, ओके। यूनिट 1 बिल्कुल बाइफर्केशन बता दे रहा हूं, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ठीक है। जो 35 नंबर है, मैं अभी 35 को आइडियल मान के चल रहा हूँ, 35 क्वेश्चन को बंटवारा कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है मेरा क्या करने जा रहा हूं मैं? यस सर, ये
35 क्वेश्चन में बंटवारा करूं तो जो यूनिट वन है और यूनिट टू है इनके हाथ सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगते हैं, यूनिट वन और यूनिट टू। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि मैं यूनिट वन और यूनिट में से भैया कितने क्वेश्चन ले सकता हूं, तो मेरे को इससे कहने में कोई वो नहीं है कि 7-7 क्वेश्चन ये दोनों ले जा सकते हैं, 7-8 7-8। मतलब 35 में से लगभग आधे से कम यही उठा ले जाएंगे क्वेश्चन यूनिट वन और टू। याद रखना, मेरी इस यूनिट की रिकॉर्डिंग भी रहेगी तुम्हें, और याद रखना जब पेपर आएगा मिलाना और फिर कहना कि नागिन सर ने क्या कहा था, अगर तुम्हें यकीन है कि जो मैं कहता हूं वो होता है तो। ठीक है, यस सर, होता। 7-8 क्वेश्चन ये उठा ले जाएंगे दो यूनिट, 8-8 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन या 14-15 क्वेश्चन ये दो यूनिट उठा ले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक में 8 एक में 7। ठीक है, मैं एक आपको जनरल आइडिया दे दे रहा हूं। अब बारी आई यूनिट 3 की, और अगर मैं तुम्हें सही बात बताऊं तो यूनिट 3 मेरे हिसाब से सिर्फ ले जा रही है 4 क्वेश्चन अभी। फिर अभी मैं आगे पूरा पहले हिसाब बैठा लूं फिर बताता हूं। यूनिट फोर भी आपके 5 क्वेश्चन ले जा रही है, और यूनिट 5 आपके 7 क्वेश्चन ये भी ले जा रही है। देखें कितने, 7, 7, 14, 4, 18, 5, 20 और 7, 27 ही हुए अभी। यस सर। ठीक है, तो बस हमें मिल गया ना एक, तो अब हम इसको बढ़ाते 10, 10, 20 और 5, 25, 5, 30, 30 हो गए। ठीक है, तो इसको 4 ही रखते हैं और इधर 9-9 रखते हैं, 9-9 18, 4-4 22 और 5 27 और 27 और बचा कितना, 7, 7। परफेक्ट कॉम्बिनेशन 99457। लो भैया लिख लो 99457 जे होने वाला है। समझ रहे हो? यस सर, यस सर। तो कुछ टेंशन कम होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब आते हैं यूनिट 3 पे। ये था हमारा किस पे, फर्स्ट ए का प्लानिंग था, ये फर्स्ट ए का प्रेडिक्शन है मेरा। ये आपको पता है मैंने सीधे सीधे कह दिया था कि यू सेट 75 से 85-80 के ऊपर जाएगी और वही हुआ। ठीक है, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करता हूं इसके लिए, याद रखना मैं कोई दिमाग नहीं लगाता, मैं अपने ये सारी चीजें सिर्फ अपने किससे कहता हूं, अपने जो सिक्स सेंस होता है उससे कहता हूं कि ये होने वाला है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक आवाज आती है कि हाँ ये है इंपॉर्टेंस, और वो आवाज ऐसे नहीं बनती है, कॉन्शियस में तब बनती है जब आपने बहुत सारा उस पर वर्क किया और प्रैक्टिस की और आप उसके नेचर को समझते हो। तो ये बाइफर्केशन रहने वाला है, इससे 1, 2, 19, 20 होगा, इससे ऐसा नहीं होगा कि 19 से 30 हो जाए, ये मेरी गारंटी ले जाओ। ठीक है, सॉरी इसका फर्स्ट बी में मैं तुम्हें जो कह रहा हूं गौर से सुनना कि फर्स्ट बी में आपको जो रेशियो मिलेगा, यूनिट 3 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3, अगर ये 15 क्वेश्चन का हुआ, ठीक है, तो ये समझ लो कि यूनिट 1 और 2 दोनों मिला के सिर्फ 6 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, या 7 कह सकता हूं कि 4 यहां आ गए, 3 यहां, बाकी 9 क्वेश्चन ये बनाएगा, नीचे वाला हिस्सा सबसे बड़ा, 9, 4, 13, 3, 16। अब मैंने ये कहा है कि 19-20 जरूर समझे, अगर ऊपर 35 नहीं होता है, ऊपर 30 होता है, तो फिर 20 यहां से बनेंगे। ठीक है,
अगर 20 यहां से बनते हैं तो भी जो जो मैंने जिस रेशियो में लिखे हैं उसी रेशियो में बढ़ेंगे क्वेश्चन। अगर 20 यहां से बनते हैं, अभी 16 हो रहे हैं जैसे, तो आप एक एक यहां बढ़ा लो या दो यहां बढ़ा लो और एक यहां बढ़ा लो, इसको भी 5 कर लो, इसको भी 5 और 10 इधर कर लो अगर 20 इधर से आते हैं तो। पर रेशियो जो मैंने कह दिया इंटेंसिटी यही रहने वाली है, समझ गए बात को? यस सर, यस सर, ठीक है। और तीसरी चीज एक और होगी आपको वो कंफ्यूज करने के लिए, ये जो यूनिट 1, 2, 3 है ना, जैसे ये है फर्स्ट बी के, इनके क्वेश्चन लगातार नहीं आएंगे, बिखरे बिखरे आएंगे। जैसे दो मैथ्स के आ गए, फिर जीके के आ गए, फिर कहीं दो रीजनिंग के आ गए, फिर एक रीजनिंग का कहीं पड़ गया, आपको लगेगा हर चीज आ रही है जबरदस्त खूब, ठीक है। तो ये तरीका होगा, क्लियर है कि नहीं? अब आते सेकंड पेपर। सेकंड पेपर इंग्लिश। अब यहां फर्स्ट पेपर में और किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी भी क्या व्हाट्सएप में लोग मैसेज कर रहे हैं क्या? अब आ जाते हैं तुम्हारे महान सब्जेक्ट इंग्लिश पे, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश की प्लानिंग पे भैया। इंग्लिश के लिए हमने बोर्ड अभी दिख रहा होगा आपको बोर्ड। अब हमारे पास यहाँ यूनिट है, अगर मैं ग्रामर बेस्ड और राइटिंग बेस्ड यूनिट कहूं तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक और ग्रामर एंड राइटिंग, जिसमें मेरे पास दो यूनिट हैं, फर्स्ट और टू, और एक और है लिटरेचर, जिसमें मेरे पास है 3, 4, 5, 6 और 7। आपको पता है इन्होंने बहुत भारी भरकम कोर्स दे दिया, या तो आप चेंज करते तो इतना चेंज नहीं करते, भारी भरकम पहले भी था लेकिन अब इन्होंने क्या करा चेंज में लोगों को लग रहा है। देखो दोनों यूनिट दो तरीके के बाइफर्केशन है इसमें, ठीक है, और हमारे पास स्कोर है 50 का, ठीक है। तो भैया ये मान के चलो कि 12 से 15 मुश्किल से, या 14, मुझे तो लगता है 14, और बाकी जो है सब 36 इधर से समझो, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर, बल्कि मैं तो कहता हूं ज्यादा आइडियल में जाते हैं, 15-35 के रेशियो पे जाते हैं, ठीक है। 15 ग्रामर और राइटिंग से बहुत होते हैं, ठीक है। तो इस 15 में करीब दो दो तीन तीन तो वर्ड और यही ले जाएंगे, दो दो भी ले गए तो, बाकी कुछ एरर्स ले जाएंगी और लास्ट में आपके कहीं फिगर ऑफ स्पीच या एक कॉम्प्रिहेंशन भी ले जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन ले जाएगा तो वो करीब 3-4 नंबर वो ले जाएगा, ऑलराइट, तीन या तीन ले जाएगा ज्यादा से ज्यादा, बड़ा कॉम्प्रिहेंशन नहीं देंगे। तो कुल मिला के आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 में भी देखें अगर बिल्कुल, तो ज्यादा जो ले जाता है आपका इसमें वो भैया मुझे दिख रहा है कि यूनिट 1 ही ले जाता आपका ज्यादा, 9 ले जाता है यूनिट 1 और यूनिट 2 ले जाता आपके 5, 9, 5, 9, 6, 6 ले जाता है यूनिट 2, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। सिनोनिम और एंटोनिम का तो ये हाल होने वाला है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, कि मात्र एक एक क्वेश्चन पूछेंगे बस, सीधे एक गिव इट्स सिनोनिम, या दो सिनोनिम आ जाएंगे, या एक एंटोनिम एक सिनोनिम एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बता रहा हूं तुम्हें। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर, यस सर। स्पॉटिंग एरर में एक दो वो दे देंगे
बस बाकी दो तीन फिगर, दो फिगर ऑफ स्पीच भी आ गए बहुत हैं, और 3 नंबर का कहीं कॉम्प्रिहेंशन मार देंगे, ठीक है। तो ज्यादा पार्ट्स। अच्छा, इन्होंने स्पॉटिंग एरर नीचे दिया है। ओके ओके, सर, यूनिट टू में। स्पॉटिंग एरर इन्होंने नीचे दिया है, तो इन्होंने नीचे दिया है, इसको उल्टा करना तो इसको पड़ता है। उल्टा करना पड़ता है। 6 ऊपर करो 9 छह नीचे ऊपर करो, क्योंकि करो नौ नीचे, क्योंकि नीचे कॉम्प्रिहेंशन और नीचे स्पॉटिंग एरर कॉम्प्रिहेंशन और दिया। स्पॉटिंग एरर। ये है भैया, ये है भैया, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। इको कर रही आवाज, ठीक है। ये है क्योंकि इसी में स्पॉटिंग एरर भी आनी, कॉम्प्रिहेंशन भी और वर्ड सिनोनिम भी। ऊपर तो क्या है, एक दो टेंसेस के आ जाएंगे और सीधे एक प्रिपोजिशन देंगे, एक सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एग्रीमेंट, एक दो ट्रांसफॉर्मेशन, ऊपर 6 से चल जाएगा काम, ठीक है। अब तुम ये मत सोचना कि जैसे हर यूनिट में कुछ पार्ट दिए तो सभी पार्ट से क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसी गलती मत सोचना, ठीक है। समझ यस सर, रहा हूँ, हो सकता है कि एक प्रिपोजिशन ओके आए और दो टेंस के आ जाएं और दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और कुछ आए ही ना, समझ रहे हैं। तो हमारा ये मोटा मोटा ख्याल है कि ऊपर से कम और सेकेंड यूनिट से ज्यादा आएगा। इसमें 15 ये बनाएंगे, और 35 में साफ सी बात है, जो यूनिट 5 के 3 हिस्से हैं वो सबसे ज्यादा वेटेज लेने वाले हैं, और यूनिट 3 एंड यूनिट 5, तो कौन कितना लेगा। पहले हम ऊपर से ही चलते हैं, 3 3 लेने वाला है आपके, हमारे पास 35 है ना, 3 4 5 6 7। अब जरा इसके कंटेंट को देख लूं फिर बताता हूं। ओके, अब कंटेंट देख के मैं घटाऊंगा बढ़ाऊंगा, पहले मैं सबको जनरल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं। पहले मैं जनरल डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहा हूं, 3 4 5 6 7। अब कंटेंट के हिसाब से घटाऊंगा बढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ये 30 ही हुए है ना, कैसे ठीक है। तो इसको जाते हैं करीब 8 क्वेश्चन, 8 भी नहीं 7, और यूनिट 4 को जाते हैं 5 क्वेश्चन, सही है। यूनिट 5 को जाते हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 6 को जाते हैं, कितने हो गए, 7 5 12 12 24, अब बचे हमारे पास 11। यूनिट 6 को जाते हैं आपके 6 क्वेश्चन, और इसको जाते हैं 5। ले जाओ भैया, यही होने वाला है, 7 5 12 6 5। बोलो, समझ में आ गया मामला, ठीक यस सर, है। अब इतने माइक्रो प्लान के बाद तुम्हें पता है कि तुमने अटैक कहां, कैसे और कब करना है, क्लियर है कि नहीं, कहां यस कैसे फोकस करना है। तो आई होप कि मैंने अभी 60% तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस कर दिया होगा, यस सर, ऑलमोस्ट। ठीक है। कल तक जो बिल्कुल वो बोरा जाने वाली या बोई जाने वाली स्थिति थी, उससे कुछ अब स्टेगनेंसी में आ गए हो गया, ठीक है। अब रही बात कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कैसे क्लासेस शुरू होंगी, क्या होगा, उसके बारे में बात कर लें, अगर इतने में किसी कोई कंफ्यूजन ना हो, यस सर, ठीक है। सर इसमें जो अमेरिकन पोएट्री है सर, सेकंड पार्ट में, ये सब इसी में इंक्लूड है? हाँ, पोएट्री का पूरा सेक्शन इंक्लूड है, फर्स्ट सेकंड थ्री, तीन, इंडियन अमेरिकन और ब्रिटिश, यस ठीक है। सर, और उसमें से भी मैं बता दूं तुम्हें कि ब्रिटिश
और इंडियन में ज्यादा धूम रहेगी, ठीक है, अमेरिकन में रेशियो कम रहेगा, ब्रिटिश और इंडियन में धूम रहेगी, क्लियर? यस सर। और कोई क्वेश्चन? अब मैं नहीं तो आगे आता हूं। और लास्ट में एक बात आपको बताते चलूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें इंग्लिश में खासकर और इसमें बुक्स के जरिए हो जाएंगी, तो ये सोचना आपके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है, क्योंकि जब तक आप बुक्स में देखेंगे, छांटेंगे और जाने कितने आपको आइडिया आएगा नहीं आएगा कौन से मोड़ पे क्वेश्चन बनता है, कौन सी चीज इससे इंपॉर्टेंट है, तो एक डॉक्टर ही जानता है कि किस जगह पे बीमारी हो सकती है या कहां पर वो चीज जो है इलाज करना है, तो हम या एक्सपर्ट या मेंटर्स ही जानते हैं कि कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब टाइम इतना कम हो और इतने बड़े करियर का सवाल हो तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, और बुक्स के जरिए आप अगर सोचेंगे तो टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए आप सिर्फ जो है पूरी चीज को तैयार हालत में लीजिए और सिर्फ आपका काम है पढ़ाई और फोकस तरीके से तैयारी। तो नागेंद्र मेटामॉर्फोसिस नई से नई वीडियो आपके पास लेते आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।